नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। पीएम मोदी और शरद पवार अगर मंच साझा कर ले तो बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन ताजा सियासी हालातों में आई इस तस्वीर ने बवाल मचा दिया है, जिसमें शरद पवार पीएम मोदी के मंच पर न पहुंचे बल्कि उनकी पीठ पर कुछ इस तरह थपथपाया कि अब वीडियो वायरल हो गया है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। कयास तो अब ये भी लगने लगे हैं कि महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव से पहले बड़ा खेल होने वाला है। खेल की चर्चा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए अहम किरदार निभाती है। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए ये 48 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बीच आपको शरद पवार और पीएम मोदी की केमिस्ट्री के बारे में बताएं तो शायद आपको हैरानी ना हो, जहां पीएम मोदी और पवार एक दूसरे के लिए काफी कुछ कह चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले कई मौकों पर शरद पवार की सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक बार तो कहा था कि यूपीए सरकार में पवार एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने मेरी मदद की। पीएम मोदी ने एक बार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शन बताते हुए कहा था, पवार साहब ने मुझे पकड़कर राजनीति सिखाई। पीएम मोदी के ही कार्यकाल में शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, शरद पवार भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी के तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए कहा था, मेरी राय थी कि गुजरात के सीएम के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति ना हो। मोदी के काम करने के तरीके से हैरान हो जाता हूँ। मोदी किसी काम को अंजाम तक पहुँचा कर ही रहते हैं। राफेल सौदे के समय भी जब विपक्ष प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर था, उस समय उन्होंने यह कहकर राहत दी थी कि पीएम की मंशा पर लोगों को शक नहीं है। इसके साथ ही चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी के लद्दाख दौरे की भी तारीफ की थी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासी हलचल और इन तस्वीरों ने विरोधियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। विरोधी इस बात से परेशान है कि आखिर पीएम मोदी अब कौन सा दाव खेलने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।